AIB Tech में स्वागत है दोस्तों, आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में कंपेयर करते हैं दो ईयरबड्स के बारे में, जिसमें से पहला ईयरबड्स रहता है बोट का बोट एडॉप्ट एटम 83, वहीं दूसरा ईयरबड्स रहता है ट्रुक का ट्रुक BTG X1 ईयरबड्स। तो यहां पे इन दोनों ईयरबड्स को कंपेयर करते हैं और आपके लिए बता देते हैं कौन सा ज़्यादा बेहतरीन बड्स हो जाने वाला इन दोनों में से। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक शेयर एंड चैनल पर नए हैं पहली बार वेट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर ऐसे ही कंपैरिजन अनबॉक्सिंग रिव्यूज एंड टेक न्यूज़ भी आप सभी लोग के लिए बराबर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आप दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। बोट एडॉप्ट एटम 83 की केस जो रहने वाला वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट रहने वाला, इसको भी कैरी करने में ईजी रहने वाला है। एंड यहाँ पर आपको ईयर टिप्स वगैरह मिल जाते हैं, कंफर्ट आपको ईयर में अच्छा मिल जाएगा। वहीं बात करते हैं ट्रुक BTG X1 का, इसका भी केस आपको कॉम्पैक्ट मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आपको 20 RGB लाइट्स वगैरह भी मिल जाती हैं, तो यहाँ पर कहें कि थोड़ा सा लुक वाइज भी गेमिंग लग रहा है, RGB लाइट्स वगैरह जलती रहती है। तो एंड साथ में यहाँ पर आपको हाफ इन ईयर TWS रहने वाला, मे भी आपको कम्फर्ट उतना बेहतर ना मिले ईयर में। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्जिंग एंड प्लेबैक टाइमिंग को लेकर के। तो यहाँ पर ट्रुक BTG X1 में आपको 48 hours का प्लेबैक टाइमिंग, टाइप सी का पोर्ट, 10 मिनट चार्ज करने के बाद आप टोटल 10 hours का प्लेबैक टाइमिंग एक्सपीरियंस कर पाओगे। वहीं दोस्तों बात करते हैं बोट एडॉप्ट एटम 83 में, यहाँ पर आपको टोटल 50 hours का प्लेबैक टाइमिंग, टाइप सी का पोर्ट, फास्ट चार्जिंग का पोर्ट, एंड यहाँ पर आप 5 मिनट चार्ज करने बाद आप टोटल 60 मिनट का प्लेबैक टाइमिंग एक्सपीरियंस कर पाओगे। इसके साथ साथ दोस्तों बोट एडॉप्ट एटम 83 एंड ट्रुक BTG X1 दोनों में आपको ENC सपोर्टेड रहने वाला, दोनों में आपको एनवायरमेंट की अनवांटेड साउंड वगैरह कैंसल आउट हो जाने की वजह से आपको थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। एंड दोनों में ही आपको क्वाड माइक वगैरह का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो दोनों में आपको कॉलिंग वगैरह भी अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं साउंड क्वालिटी के बारे में। बोट एडॉप्ट एटम 83 में आपको 13 mm का बिगर ड्राइवर साइज दे रखा है, साथ में आपको ट्रुक BTG X1 में 12 mm का ड्राइवर साइज मिल जाता है। इसके साथ साथ ट्रुक BTG X1 आपको हाफ इन ईयर रहने वाला है एंड आपको बोट एडॉप्ट एटम 83 फुल इन ईयर रहने वाला है, यहाँ पर आपको ईयर टिप्स वगैरह मिल जाता है। तो गाइस कहें कि आपको थोड़ा सा बेहतर एक्सपीरियंस हो पाएगा बोट एडॉप्ट एटम 83 वाले बड्स में। इसके साथ साथ दोस्तों दोनों में ही आपको बीस्ट मोड सपोर्टेड रहने वाला है, दोनों में आपको गेमिंग मोड सपोर्टेड मिल जाता है। तो बोट एडॉप्ट एटम 83 में आपको 50 ms की लो लेटेंसी मोड सपोर्टेड रहता है, वहीं आपको मिल जाता है ट्रुक BTG X1 में 40 ms का लो लेटेंसी मोड सपोर्ट। तो दोनों में ही आपको लैग स्टेटस कम देखने को मिल सकते हैं, दोनों में ही आपको ऑडियो एंड वीडियो का सिंक्रोनाइजेशन अच्छा मिल सकता है, बट कहें कि थोड़ा बेहतर एक्सपीरियंस होगा आपको ट्रुक BTG X1। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ट्रुक BTG X1 एंड बोट एडॉप्ट एटम 83 दोनों में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिल जाता है, कनेक्टिविटी में दोनों में दिक्कत नहीं हो पाएगी। इसके साथ साथ दोनों में ही आपको टच कंट्रोल का फीचर्स मिल जाता है, दोनों में आपको वॉइस असिस्टेंट का भी फीचर्स दे रखा है। एंड दोस्तों बात करते हैं प्राइस पॉइंट के बारे में। दोनों ही ईयरबड्स को आप फ्लिपकार्ट से चेकआउट कर सकते हैं। एंड दोस्तों दोनों ही ईयरबड्स का फिलहाल के लिए प्राइस पॉइंट है 1299 rupees, यानी कि 1300। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इन दोनों ईयरबड्स में से कौन सा ज्यादा बेहतर बड्स जाता है। प्राइस पॉइंट दोनों का सिमिलर सा है, लेकिन कहें कि दोस्तों कंफर्टनेस की अगर बात करें तो आपको बोट एडॉप्ट एटम 83 में ज्यादा बेहतर हो पाएगा, वहीं आपको ट्रुक BTG X1 आपको हाफ इन ईयर रहने वाला है, मे बी कंफर्ट उतना अच्छा ना हो पाए। एंड यहाँ पर आपको थोड़ा सा RGB लाइट्स वगैरह दे दिया गया है, तो लुक वाइज भी थोड़ा गेमिंग लगने वाला है, तो ये थोड़ा सा बैटरी भी कंजम्पशन यहाँ पर आपको ज्यादा हो जाएगा, वहीं आपको बोट एडॉप्ट एटम 83 में थोड़ा सा बेहतर एक्सपीरियंस हो पाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों देखा जाए तो दोनों में ही आपको लो लेटेंसी मोड मिल जाता है, लेकिन आपको कम यानी अच्छा मिलता है BTG X1 में। बट यहाँ पे मैटर ये भी आ जाता है सेल्स आफ्टर सर्विस का, तो BTG X1 का आपको उतना ज्यादा बेहतर अभी नहीं मिल पाएगा, मे भी आगे चल के लोग अच्छा कर दे, बट फिलहाल के लिए बोट की सर्विस काफी सही है। यहाँ दोस्तों मैं आपको इन दोनों में से यही रिकमेंड करूंगा आप बोट एडॉप्ट एटम 83 के साथ में जा सकते। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ है डिटेल कंपैरिजन बोट एडॉप्ट एटम 83 वर्सेस ट्रुक BTG X1 के बारे में। एंड दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक शेयर एंड चैनल पर नए हैं पहली बार वेट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर ऐसे टेक न्यूज खोज कर आप सभी लोग के लिए बराबर प्रोवाइड करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑलवेज लव यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।